आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे सुबह सुबह का व्यू जो है वो रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपको मेरी हर वीडियो में सुबह सुबह का कोई ना कोई व्यू जो है वो देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पे मैं मूसा का लंच प्रिपेयर कर रही थी। आज मैंने मूसा को लंच में फ्राइज़ दिए हैं और साथ एक चॉकलेट दी है स्नैक के तौर पर। यहाँ जो है मूसा का लंच रेडी हो गया है, बस इसको बैग में डालते हैं और इसको बंद कर देते हैं। प्लीज बाय बाय कर दो। मूसा को स्कूल भेजने के बाद यूजली जो है वो मैं सो जाती हूँ, तो कभी कभार जो है मैं इसी टाइम पे नाश्ता कर लेती हूँ और कभी कभार जो है नींद पूरी करने के बाद जो है फिर नाश्ता करती हूँ। बिया किचन में है और वो अपना नाश्ता आज खुद बना रही है, और आज फिर एज़ यूजल जो है हमें लेट हो चुका है, तो चल के देखते हैं किचन में क्या कर रही है और अपने लिए क्या बना रही है। क्या बन रहा है? ऑमलेट सैंडविच बना रही हूँ। नाइस, चाय मैंने बना ली है। दिखाओ, चाय कम नहीं है? मुझे तो कम लग रही है। कम है हाँ, इसमें और दूध डलेगा ना। चलो तो इसको उतार डाल लेती हूँ और दूध। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने ब्लॉग्स में जो है पॉजिटिविटी को स्प्रेड करूँ। पॉजिटिविटी से जो है एक बात जहन में आ रही है, हमारा माइंड जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह होता है, तो हम लोग जो भी सोचते हैं वही होता है, मोस्टली वही चीज़ें जो है अट्रैक्ट करता है हमारा माइंड। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगी और नेगेटिव ही होगा। तो इट्स बेटर टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। बहन का नाश्ता जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, मैं अपना नाश्ता ना हमेशा खुद अपने हाथ से बनाना पसंद करती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं ना जब भी मतलब नाश्ता बनाती हूँ तो मुझे अपना अंडा और स्लाइस वगैरह परफेक्ट चाहिए होता है। बिया यहाँ कट कर रही है प्याज, प्याज कट करने में हेल्प कर रही है। आज सुबह नाश्ता जो है हमने काफ़ी लेट किया था और खाने में भी थोड़ी देर हो गई है, बस मगरिब की अजानें भी हो रही हैं और बस मैं जल्दी से जो है खाना बना रही हूँ। मुझे टेंशन भी हो रही है, ज़ाहिर है गेस्ट आए हों तो खाना बनाने की काफ़ी मुझे तो टेंशन होती है कि बस टाइम पर हर चीज़ बन जाए। खैर, बिया यहाँ पर मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है खाना बनाने में, प्याज कट करके दे रही है। चिकन जो है वो मैंने वॉश कर लिया है, बस अब जो है बस जैसे ये प्याज कटते हैं, मैं जो वैसे चिकन बिरयानी बना रही हूँ, बिरयानी की बस ग्रेवी जो है वो रेडी करते हैं। चिकन मैंने यहाँ वॉश करके रख लिया है और राइस भी साथ भिगो दिए हैं, और इसके अलावा जो साथ ही है मैंने यहाँ पे जो है राइस का पानी भी बॉयल होने रख दिया। बहने होना भी कितनी ब्लेसिंग की बात है ना। वैसे मैं जब मतलब अपने घर जाती हूँ, अपने पेरेंट्स के घर, तो मतलब कि मैं ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। वहाँ मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, मतलब जो भी काम कहना है बहन को कह देती हूँ। तो अब वो वहाँ यहाँ पे आई हुई है, सॉरी मेरे घर पे, तो बस यहाँ भी मैं मतलब रिलैक्स हुई हूँ काफ़ी ना। वरना अगर कोई भी आपके पास ना हो ना तो आपको एक पता होता है, एक जिम्मेदारी है आप पे, तो आपने इस वो टाइम पे मैं बना है। रही हूँ ऑरेंज केक। ऑरेंज केक का बैटर जो है वो मैंने रेडी करके रख लिया है। 3 लोफ केक्स बना रही हूँ ऑरेंज केक, और बस ये केक्स जो हैं मेरे बाबा को बहुत पसंद है मेरे हाथ के, तो मेरे बहन भाई आए हुए हैं दोनों, तो मैं सोच रही हूँ इनके हाथ जो है बाबा के लिए केक बना के भेज देती हूँ। एक जो है मैं घर के लिए बना रही हूँ, इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो मैं घर के लिए रख लूँगी, और 2 लोफ जो हैं वो मैं अपने बहन भाई के हाथ बाबा के लिए भेजूँगी। तो बस इनको जो है मैं इनके मोल्ड में डाल रही हूँ, इसके बाद जो इसको बेक होने रख देंगे सिंपल। इसकी रेसिपी एज सच में जो है वो शेयर नहीं कर रही, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मैं जो है लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोफ जो है मैं बना रही हूँ सिंपल, बहुत ही मज़े के बनते हैं, सीज़न भी है ऑरेंजेस का, और मतलब
सीज़न की कोई भी चीज़ हो ना तो वो लाजमी बनानी चाहिए मेरा ख्याल है। और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं जो हूँ इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, केक जो है तकरीबन मेरे केक्स ने टाइम लिया है 1 आवर का बेक होने में। इस बड़े बिग पतीले में जो है मैंने 2 लोफ डाल दिए थे, तो चलें अब आपके सामने चेक करती हूँ केक जो है बेक हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, चलें इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनका फाइनल लुक चेक करते हैं। उम्मीद तो है कि ये बेक हो गए होंगे। ज़बरदस्त किस्म के जो हैं केक बेक हुए हैं। बस इसमें जो है एक स्टिक डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा केक जो है लोफ जो है ऑरेंज केक अंदर से कच्चा तो नहीं है। चलें जी, इसमें जो है ये स्टिक डाल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे पक गए हों केक। केक जो है हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ज़बरदस्त केक्स जो हैं हमारे रेडी हैं। बस इसको निकालती हूँ और इसका फाइनल लुक जो है आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। केक मेरे जो हैं वो बन के हो गए थे रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक रेडी हुए थे, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मेरी बहन बेस्ट केक बनाती है और यू गाइस शुड ट्राई इट आउट एंड बताइएगा फिर आपको कैसा लगा। यह है हमारे घर का टेरेस का व्यू, यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है। और इस जगह से जो है सनसेट भी बहुत प्यारा नज़र आता है जब सनसेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे सनसेट्स और सुबह के व्यूज़ रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी तरीके से जो है मैंने शाम का व्यू भी और सनसेट जो है आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।